नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स, लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का सभी को शिक्षा चैनल में दोबारा से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने बड़े छोटे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, और डेफिनेटली जो आपका मेन मोटिव है लाइफ का, अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, इसको एक डायरेक्शन दे रहे होंगे, चीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे, तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पर डे हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट वीडियो जो था वो था द सेल। हमने सेल देख लिया था, एनिमल सेल देख लिया था, लेकिन सेल एनिमल सेल पढ़ने से ही तो समाप्त नहीं होगी, इसका एंड नहीं है, इसका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो हम देखते हैं आज जो हमारा बेसिक कंसर्न है वो है, हमने देखा था कि सेल्स जो होती हैं बेसिकली टू टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हमने यूकैरियोटिक में एनिमल सेल पढ़ लिया है, तो हम उसके रेफरेंस में आज प्रोकैरियोटिक देखेंगे, और यूकैरियोटिक में एक प्लांट सेल भी होता है, तो हम एनिमल सेल के रेफरेंस में प्लांट सेल को देखेंगे, यानी कि इनमें अंतर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, सो दोबारा से मैं डिफाइन कर देती हूँ व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, और इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, आविष्कार किया था, राइट। अब हम आज के टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज प्लांट सेल, थर्ड इज प्लांट वर्सेज एनिमल सेल। ठीक है, आज के टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में बेसिक डिवाइड किया है। प्रोकैरियोटिक अगर सेल की बात करें तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बेसिकली प्रोकैरियोटिक एनिमल यही होते हैं जो एसेक्सुअल डिवीजन से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल। सो व्हाट वी फाउंड हियर, यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है, इन अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर का होता है इसमें कैप्स्यूल, एंड ये मूविलिटी के लिए होता है फ्लैजिला, राइट, बैक्टीरिया की मूविलिटी के। लेकिन इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजोसोम और न्यूक्लियोइड, राइट। सो मीजोसोम क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन फोल्डेड होगी उसको क्या बोलेंगे, मीजोसोम। क्या बोलेंगे, मीजोसोम। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, हमने जो एनिमल सेल पढ़ा था, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, आप इसको बिल्कुल यू नो कोरिलेट कर पाएंगे। द सेल डालेंगे, सभी को शिक्षा डालेंगे, मेरा वीडियो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी डालिए, नीट डालिए, 11, 12 डालिए, आ जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ही क्योंकि वो वहां पर रिस्पायरेशन करता है, वहां पर एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी मींस एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो यहां पे जो रिस्पायरेटरी फंक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल में वो कौन करेंगे, मीजोसोम्स करेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो वर्क है वो कौन करता है, मीजोसोम करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट इज राइबोसोम। राइबोसोम इसमें कितने तरह के होंगे, मैंने बताया था राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। यहाँ पे जो राइबोसोम होंगे वो पाए जाएंगे 70S टाइप के। कितने टाइप के, 70S टाइप के राइबोसोम होंगे, ठीक है। राइबोसोम का अगेन फंक्शन वही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, जहां भी राइबोसोम है वहां पे प्रोटीन का निर्माण तो होना ही है, राइट। उसके बाद अगर न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं ये कुछ फोल्डेड सी स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉइड। और इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, अनडेवलप्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन डीएनए फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लॉइड बोलेंगे। फ्लैजिला मोबिलिटी की होगा, साइटोप्लाज्म होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो एक्चुअली कहां से आया, ठीक है। लैटिन वर्ड है, प्रो मींस प्रिमिटिव, ध्यान देना सभी लोग, प्रो मींस प्रिमिटिव यानी कि पहले, कैरियन मींस न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इमेच्योर होता है, स्टोन प्रोटीन ना हो, मेम्ब्रेन ना हो, उसके अंदर न्यूक्लियोलस ना हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव, प्रो कैरियन मींस न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, राइट।
एंड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसमें एक और करैक्टरिस्टिक्स है, इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन। अब आप याद करो हिस्टोन प्रोटीन मैंने डीएनए में पढ़ाया है, डीएनए के बाद का जस्ट चैप्टर था न्यूक्लियोसोम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, अरेंजमेंट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। तो डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन ऐड होती है तो एक हमारा न्यूक्लियोसोम बनता है, इस तरीके से एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, राइट, यहां पे डीएनए जो होगा वो विदाउट हिस्टोन होगा। यहाँ पे मीजोसोम होते हैं जो कि सेल्युलर रिस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, सेल्युलर रिस्पायरेशन करते हैं। इस तरह की सेल्स में जो डिवीजन होता है वो एसेक्सुअल डिवीजन होता है, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो नहीं बनेंगे, इससे ही इसका दूसरा पार्ट, मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर का ये पार्ट टूटा, ये फिर बाद में अपने आप के, मान लीजिए ये मार्कर, इसका हमने ये पार्ट तोड़ा, ये बन गया और ये तो इसका पेरेंट था, यानी कि एक से दो बनना, लेकिन गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, एक से दो बडिंग फिजन ये सब होगा, ये हम बाद में देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इसमें कौन से तरह के राइबोसोम होंगे, 70S तरह के राइबोसोम होंगे। तो अगर देखो डिफरेंस देखा जाए तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल से, एक तो यहाँ पे राइबोसोम 70S होते हैं जबकि वहां पे कैसे होते हैं राइबोसोम 80S होते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पे मीजोसोम होता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ न्यूक्लियॉइड होता है, वहां न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, वहां पे डीएनए प्लस हिस्टोन होता है, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन होता है, राइट। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में और सारे ऑर्गेनेल नहीं होते, जबकि यूकेरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गॉल्जी बॉडी होते हैं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। लेकिन आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस समझना है, 70 की जगह 80S, मीजोसोम की जगह माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियॉइड की जगह न्यूक्लियस, डीएनए विदाउट हिस्टोन और वहां पे डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। सो बेसिक जो डिफरेंस है वो है 70S राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम्स, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियॉइड, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, डीएनए विदाउट हिस्टोन, यूकैरियोटिक में डीएनए विद हिस्टोन। चार बेसिक डिफरेंस हैं। आई होप ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हम यूकैरियोटिक में जो हमने एनिमल पढ़ा था, इससे भी एडवांस होती है प्लांट सेल, इसमें देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या होता है। तो आज है हमारा प्लांट सेल। अब आप मेरे को ये बताइए, कभी आपने किसी जीव, यानी कि आप डॉग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एनिमल जो होते हैं प्राणी, जंतु जो होते हैं बेसिकली, उनकी बॉडी से गेहूं, चावल, टमाटर, खीरे उगते देखा है? नहीं ना। ये केवल दुनिया में एक ही ऑर्गेनिज्म कर सकता है, वो होते हैं प्लांट। भगवान की तरह दर्जा दिया जाता है। आदिवासी आज भी पौधों की भगवान से ज़्यादा पूजा करते हैं, उनके गॉड से ज़्यादा प्लांट्स को देवता माना जाता है। तो दैट इज़ ट्रू, हमारे जो अन्नदाता हैं, हमें जो फूड देते हैं, वो होते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स में डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होंगे एनिमल सेल की तुलना में, राइट। तो वो स्पेसिफिक करेक्टर्स आज हम देखेंगे कि एनिमल सेल की तुलना में प्लांट्स में ऐसा क्या ज़्यादा होता है जिससे वो अपना फूड प्रोडक्शन खुद से करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम इसके डिफरेंस को देखेंगे। देखो, वहां पे हमने जब एनिमल सेल पढ़ा था तो ऐसे राउंड पढ़ा था, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल थे, एक ही मेम्ब्रेन थी, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको सबसे पहले दो मेम्ब्रेन दिख रही है, राइट। सबसे पहले दो मेम्ब्रेन जो अंदर वाली है, ये वाली, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, जो कि एनिमल में भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम। बट इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, बहुत थिक कार्बोहाइड्रेट है, जो वाटर मॉलिक्यूल वगैरह को आने जाने नहीं देता। तो प्लांट सेल के चारों तरफ एक वॉल होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, जो कि किसके बनी होती है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो हम बाद में देखेंगे। सेल्यूलोज का बेसिक फंक्शन क्या है? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए गेट कीपर वर्क करती है।
हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर आने जाने नहीं देती। सेल वॉल प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि मूवेबल नहीं होते हैं ना प्लांट्स, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हम लोग। अगर आंधी तूफान आएगा, कोई डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो हम लोग उस जगह को छोड़ के जा सकते, प्लांट नहीं जा सकते। तो भगवान ने, गॉड ने एक स्पेसिफिक करेक्टर दिया इनको, सेल वॉल दे दी जो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इनको मजबूती प्रदान करती है, ठीक है, दैट इज द सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में आप ये देखेंगे कि ये कुछ पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सेल वॉल परमिएबल नहीं होती है। परमिएबल मतलब एक एक लेयर, मान लीजिए दिस इज माय हैंड, ये एक लेयर है, ये यहाँ पे आप वाटर ड्रॉप डालेंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा ना, तो ये इम्परमिएबल है। लाइक अगर आप फिल्टर पेपर की बात करते हैं, यूज़ किया होगा फिल्टर पेपर में, आप वाटर डालते हो तो निकल जाता है, तो वो परमिएबल होता है। कुछ मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल इम्परमिएबल होती है। तो एक सेल से दूसरे, मान लीजिए यहाँ से, यहीं से एक दूसरी सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो एक सेल से दूसरे सेल में कंपोनेंट को ट्रांसफर के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया सेल वॉल, और दूसरा डिफरेंस हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट सेल्स में एक तो सेल वॉल एक्स्ट्रा होगी, दूसरा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज द पाइप टाइप स्ट्रक्चर विच आर यूज इन द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द सेल। इट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस इन द वन सेल टू द अनदर सेल। ठीक है, ये एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा क्रिएटिविटी है, राइट। उसके बाद एक और हमें स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा, हमने न्यूक्लियस वहां पर पढ़ लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स भी इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्या डिफरेंस है? तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मींस मतलब ग्रीन कलर जो प्लांट्स में होता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लांट्स में जो बेसिकली ग्रीन लीव्स होती हैं, जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल की वजह से पौधों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या होता है, प्लांट्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, राइट। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में है, वाटर एटमोसफियर में हम दे रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो पौधे इसी तरह से हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, और इसी से हमें फ्रूट, ग्रेन्स, जो भी हमें फूड मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से बनता है यहाँ पे। इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड फोर्थ वन इज बेसिक डिफरेंस, मैंने यहाँ पे दो वैक्यूल बनाई है। इसका मतलब एनिमल सेल की तुलना में प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्यों होंगी? ये भी इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और एक्वाटिक प्लांट जो जलीय पौधे होते हैं उसमें तो वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि उनको तैरना होता है ऊपर, ज़्यादातर फ्लोटिंग होते हैं, हल्के होने के लिए वैक्यूल्स ज़्यादा होती हैं। तो हमने क्या देखा? देखो, न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी होता है, न्यूक्लियस का मैंने काम बताया था, ये मैनेजर की तरह वर्क करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वैक्यूल्स क्या करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे, एटीएस टाइप के में राइबोसोम होते हैं जो कि एनिमल सेल में भी होते हैं। बेसिक डिफरेंस इज, वन इज सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होगी, सेकेंड इज प्लाज्मोडेस्माटा, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ वन इज वैक्यूल्स, इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये मतलब पांच आपको डिफरेंस देखने ही है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एनिमल सेल में जो एनिमल सेल से ज्यादा जो प्लांट सेल में ऑर्गेनेल हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा, चार ऑर्गेनेल ज्यादा होते हैं। आपको, आप इसको टेबल बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट सेल डालिए, यहाँ पे एनिमल सेल डालिए, क्लोरोप्लास्ट डालिए, इधर क्रॉस कर दीजिए, प्लाज्मोडेस्माटा डालिए, इधर क्रॉस कर दीजिए, टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ऐसे ही आप प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस देख सकते हैं, ये होगा ये नहीं होगा, राइट। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डिफरेंस का प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हम क्लोरोप्लास्ट में ही देख लें,
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट जो पार्ट है ना वो है प्लास्टिड का। प्लास्टिड्स मतलब पिगमेंट। प्लांट को जो पिगमेंट देने वाला मटेरियल है वो होता है प्लास्टिड। हमारी बॉडी में हमारा जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। प्लांट्स में जो कलर होता है वो प्लास्टिड की वजह से होता है। तो देखो, रूट का अपना कलर है, फ्लावर्स और फ्रूट का अपना कलर है, ग्रीन लीव्स का अपना कलर है। ये जितना भी कलरफुल पार्ट है प्लांट का वो प्लास्टिड की वजह से होता है। तो प्लास्टिड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस, जहां पे कोई कलर ना हो वो क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। तो जो रूट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। सबकी रूट ज्यादातर ब्राउन होती है, वहां के वहां पे क्या मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब ग्रीन, तो ग्रीन पार्ट जो होगा पौधों में वहां पे क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। कलरफुल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में क्या मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट। जितना भी कलरफुल पार्ट है पौधों का, लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, गुलाबी, जितना भी है, रेड, ब्लू, वो सब किसकी वजह से होगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो प्लांट्स में डेफिनेटली अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का यू नो कॉम्पोनेंट है। तो आज हमने देखो बहुत सारा मटेरियल कर लिया है, प्रोकैरियोटिक सेल को देख लिया, प्लांट सेल को देख लिया, डिफरेंस देख लिया, यहाँ पे इसके स्पेसिफिक करेक्टर्स देख लिए, क्लोरोप्लास्ट देख लिया। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप शुरू में वीडियो को पॉज करके लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड देखिए, हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल कर लिया है, प्लांट सेल कर लिया है, प्रोकैरियोटिक सेल कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स। सेल के जो ऑर्गेनेल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनको हम ओपन कर करके पढ़ेंगे, न्यूक्लियस वगैरह। सो थैंक यू सो मच, मेरी प्रीवियस वीडियोस में व्यूज बहुत आ रहे हैं, आप सभी को आभार। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक शेयर करिए, थैंक यू सो मच, सभी को मेरा दोबारा से नमस्कार।